बीजेपी सरकार को घेरने के लिए इनेलो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। SYL का मुद्दा हो या फिर दादूपुर नलवी नहर का, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर इनेलो ने 1 मई से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। इनेलो नेताओं ने बताया कि जेल भरो आंदोलन का पहला पड़ाव भिवानी तो वहीं दूसरा पड़ाव यमुनानगर होगा। ये जानकारी इनेलो नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री रामपाल माजरा ने यमुनानगर पहुंचने पर दी। यमुनानगर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामपाल माजरा ने प्रदेश और देश की बीजेपी सरकारों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी SYL नहर का निर्माण नहीं किया जा सका और तो और खुदी हुई नहर दादूपुर नलवी को भी वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों नहरों के लिए किसानों का संघर्ष काम आएगा और ये दोनों नहर बनकर रहेंगी। हमारी पार्टी के नेताओं ने फैसला लिया है कि हरियाणा प्रदेश की सतलुज यमुना लिंक नहर बन नहीं सकी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी, निर्णय आने के बावजूद भी, और दादूपुर नलवी नहर को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया और इसी प्रकार से हांसी बुटाना नहर में कोई पानी आ नहीं सका, मेवात फीडर बन नहीं सका। इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं कर पाई, इसके बदले प्रधानमंत्री फसल योजना जबरन किसानों पर थोप दी गई। किसानों और मजदूरों के कर्जों को माफ नहीं किया गया और इस देश की दौलत को ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग लूट कर विदेश ले गए और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही कि किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सके, ये काला धन वापिस ला नहीं सके और इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जबरी किसानों पर थोप दी गई, किसानों के मजदूरों के कर्जे माफ़ नहीं किए और इस देश के दौलत को लूट करके किस प्रकार से ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी चले गए, इस सरकार उनका कुछ भी नहीं कर सकी और किसान को, मजदूर को अनेकों प्रकार की अड़चनें पैदा करने के बाद लोन देते हैं। ये हमारा जो जल युद्ध है, जहाँ जल युद्ध चरम सीमा पे है, वहीं पे हम जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रदेशवासियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आपको सुनाते हैं कि इनेलो नेता रामपाल माजरा ने और किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। सरकार अभी कुर्सी के नशे में और अभी घमंड है जो आने वाले चुनाव में चूर चूर हो जाएगा और इन किसानों की का संघर्ष काम आएगा, इन किसानों का संघर्ष फल लेकर के आएगा और दादूपुर नलवी नहर बन के रहेगी। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुर्सी के ऊपर बैठने की वजह से ये लगता है कि शायद तुम्हारे को कोई भी टोकने वाला नहीं, विपक्ष इस मुद्दे को जिस प्रकार से उठा रहा है उसको तुम लोगों के बीच में दूसरी तरफ ले जा करके लोगों को बहका लोगे, परंतु ऐसा नहीं कि किसानों को ये बात लगती है कि हाईकोर्ट का जजमेंट के बाद किसानों को मुआवजे के देने के लिए सरकार ने कहा था। बहरहाल अब देखना होगा कि 1 मई से इनेलो की ओर से शुरू होने वाला ये जलयुद्ध और जेल भरो आंदोलन प्रदेश में क्या नए राजनीतिक रंग दिखाता है। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।